कैच एंड कैच खेल लेते हैं। पर एंटरिंग उत्तराखंड वीडियो लेने के लिए छोड़ के चल दिए मेरे को पता है। मिस गुरप्रीत है, सर्वर कनेक्ट नहीं हो रहा, वो ऑनलाइन मिल नहीं रहा एंड फिजिकली स्लिप हमको अरेंज नहीं हो पा रही है। ऋषिकेश की तरफ आ रहे हैं डीजल के लिए, आप दूसरी गाड़ी कहाँ भेज रहे हो मुझे बताओ। तो गाइस थोड़े से पंगे हो गए थे। वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। एंड भाई ये ब्लॉग शुरू हो रहा है बहुत ही यूनिक जगह से, पहली बार लाइक स्टेशन से शुरू कर रहा हूँ मैं ब्लॉग। अभी का सीन कुछ ऐसा है, रात के बज रहे हैं 11:30 एंड लाइक पिछला ब्लॉग जस्ट मैंने एंड करा है एंड अभी नया ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। सीन कुछ ऐसा है कि हम हैं अभी दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन पर एंड देन यहाँ से हम जा रहे हैं हरिद्वार। एंड हरिद्वार से आगे कहाँ जाते हैं वो मैं आपको आगे बता दूंगा, बट स्टिल अभी के लिए लोकेशन रिवील इतनी कि भाई सुबह 4 बजे हम पहुँचेंगे हरिद्वार। देन वहाँ से हमारा टेम्पो ट्रेवलर है, वो कहानी मैं आपको तभी बताऊंगा। देन अभी ये ट्रेन खड़ी है तो लाइक थोड़ा टाइम था, मैंने सोचा ब्लॉग शुरू कर लेते हैं। एंड मेरे पापा लोग अंदर बैठ ही गए हैं एंड सामान वामान सेट हो गया है, बट लाइक काफ़ी गंदी ट्रेन है यार, थोड़ा एक्सपेक्ट नहीं करा था बट काफ़ी गंदी हो रखी है एंड काफ़ी क्राउडेड भी है। सो थोड़ा सा इशू हो रहा है बट देन मैनेजेबल है, देख लेंगे। बट लाइक अभी का सीन पर जैसे ही है भाई थोड़ी फीलिंग अलग है, लाइक मैं ऐसा बहुत ओवरकम करके ब्लॉग कर रहा हूँ बिकॉज लोग बाग देख रहे होंगे, बट ठीक है चलो सह लेंगे उतना। तो देन अभी का सीन को जैसे ही है, सो फार सो गुड। एंड लाइक मेन जर्नी अभी स्टार्ट, जर्नी अभी स्टार्ट ही हुई है तो देन देखते हैं कैसी जाती है आगे भी। एंड भाई आई गेस इट विल बी फन। तो भाई कल लोगों से तो कल सुबह मिलवाता हूँ, सो उसकी शक्ल लिखेंगे, बट देन मैं थोड़े बहुत लोगों से तो मिलवा ही दूंगा। देन चलते हैं। तो जर्नी हमारी यहाँ से अराउंड 4 घंटे की है, लाइक 12 बजे ट्रेन चलेगी 11:50 पे एंड अराउंड 4 in the morning हम पहुँच जाएंगे हरिद्वार पर। बहुत लंबी जर्नी नहीं है भाई, बैठेंगे और ख़त्म हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ अपना पिछला जो ब्लॉग है वो एडिट कर लूँगा, देन सीन शॉर्ट हो जाएगा, फ़ोन खाली करना पड़ेगा बिकॉज भाई एक हफ्ते की ट्रिप है एंड फ़ोन का मुझे कोई आइडिया नहीं कितना जल्दी भरेगा कैसे भरेगा, बिकॉज वहाँ चल के काफ़ी जो मेन डेस्टिनेशन वहाँ पर जाके काफ़ी जल्दी शूट होना होगा। तो भाई देख लेता हूँ, मौका मिला तो एडिट कर लेता हूँ। तो मैं अपने ईयरफोन भूल गया हूँ तो मैं एक मेरे जो आए हुए हैं साथ में उनसे मांगते हैं, देन फिर कैरी ऑन करते हैं। सो गाइस टाइम इज 4:16 एंड भाई अभी अभी जस्ट पहुँचा हरिद्वार, ट्रेन जा चुकी है एंड एक हमारे साथी ऊपर उधर रह भी गए थे तो हमने चेंज पूछ दी थी, तो देन बट देन अब सब हो गए तो देन फाइनली पहुँच गए एंड आगे लोग खड़े हैं। तो बहुत काफ़ी दूर दूर थे लोगों के कोच, तो थोड़े स्कैटर्ड थे, रात में मैंने एडिटिंग करी ली थी और ये मुझे बोलने नहीं दे रही है। गाइस टाइम इज 5:30 एंड 1 घंटे का सही रेस्ट हो गया है यहाँ पे, लाइक फ्रेश फ्रेश हो गए हैं, ब्रश वगैरह सब ने कर लिया है। बस हमारी ट्रैवलर आ रही है, लाइक प्रॉपर 12 पर्सन की ट्रैवलर है और हम 12 लोग ही हैं। तो देन वो आ रही है, यहाँ से सीधा जा रहे हैं हम लोग गुप्त काशी एंड यहाँ से अराउंड शायद काफ़ी देर का रास्ता है, शाम को 4 कुछ तक पहुँचेंगे हमारे गेस्ट जैसा मुझे बताया गया, मैं कन्फर्म करके बता दूंगा। ये लोग सब पीछे खड़े हैं तो देन बस आते ये लोग निकलते हैं, बस एक दो लोग उस वक्त से निकलते हैं। भाई ये स्टेशन एकदम मंदिर जैसा लग रहा है, मैं कंफ्यूज हो गया 2 सेकंड के लिए कि भाई ये स्टेशन है या मंदिर। बढ़िया रहा यार, नाइस। फाइनली ट्रैवलर आ गया है, अब बस सामान चढ़ाने की जुगाड़ है, बस काफ़ी ज़्यादा सामान है, अब देखते हैं कैसे चढ़ता है। बहुत ऐसे तो आ नहीं रहे थे, बाहर खड़े थे बिकॉज यहाँ पर कुछ टिकट का सीन था, अब वो सॉर्ट करा है तो बस ये आई है, अब चढ़ाते हैं सामान। कैच एंड कैच खेल लेते हैं, पकड़ा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, और क्या। गैस ये है हमारा सस्ता बुर्ज अल अरब, हम दुबई वाले भी नहीं तो इसमें तो रुक ही सकते हैं जाके। सही बना रखा है एकदम एग्जैक्ट शेप का, बस एक एंटीना मिसिंग है ऊपर का। तो गैस सो फार है एंट्रिंग उत्तराखंड, लाइक देवभूमि उत्तराखंड यहाँ पे बोर्ड था एंड भाई मैं तो पूरे रास्ते सो रहा था, ऐसी भयंकर नींद आ रही ना मेरे को, बट देन भाई पीछे का व्यू चेक करो लाइक काफ़ी सही है। एंड लाइक वॉशरूम ब्रेक लिए रुके थे तो मैं सोचा भाई ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं एंड बहुत ही लाइक अमेजिंग व्यू है वहाँ पर। एंड ये हमारी राइड है, ये पापा टीम लीडर है हमारे, ये लीड कर रहे हैं। बस काफ़ी सही व्यू शुरू हो गए हैं एंड भाई मेरे को काफ़ी टाइम से ऐसे व्यू देखने थे, लाइक लोगों के ब्लॉग देख देख के मैं सोच गया भाई चलो चलो चलो, देन गुड स्टार्ट, चलते हैं आगे। तो दिस वॉज द बोर्ड भाई, मैं वहाँ से यहाँ तक चल के आया और इसे बहुत ही सही दिख रहा था, वेलकम टू विजिट देवभूमि उत्तराखंड।
तो मैं सो रहा था तो मैं आलस में वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी, बट देन लोग रुके गए थे तो मैं सोचा आके कर लेता हूँ। सो देन लेट्स गो। मीनवाइल गाइस एपिक हिट, यहाँ मेरे को छोड़ के चल दिए हैं ये लोग, वहाँ खड़े हैं, मैं वहाँ बोर्ड की वहाँ उसके लिए वीडियो लेने गए, इन लोग ये छोड़ के चल दिए मेरे को, बताओ ऐसे होता है क्या भाई? मना कर दो कि नहीं जाना साथ में, गजब है भाई। भाई देखो एक बात क्लियर हो जाए, नहीं चाहिए तो बता दो, मैं उतर के अकेला चला जाता हूँ, ऐसे छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है मेरे को। भाई जी सही वेंडर लगा रखे यार इनने, लेकिन इनके ट्रैफिक जाम लगता है, इनको बड़ा फायदा हो जाता है। जल्दी आ जल्दी आ। गाइस आए तो हम दूसरी जगह थे बट पहुंच हम सब जगह गए, सियोल लंदन सब। इस फोन से इतनी बढ़िया क्वालिटी आ रही है, मुझे तो मन ही नहीं कर रहा है यूज करने का। प्लस हम लोग का राफ्टिंग का आगे प्लान था, बट देन इसका मैं हेड माउंट नहीं लाया तो इसका यार यूज़ थोड़ा सा बेकार सा हो गया, बट देन यूज़ कर लेंगे कॉज इसकी स्टोरेज मुझे भरोसे नहीं कितनी देर तक चलेगी। दो भी ये चेक पॉइंट है वहाँ पे रुके हुए हैं, पेपर वगैरह चेक होंगे, इन लोग भी सब उतर गए। सो गाइस वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, वी हैव मिस गुरप्रीत हियर। वेलकम हर टू माय फर्स्ट टाइम ऑन, इट्स मी प्रगर। सो शी हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, गो अहेड। Okay. My question is, सारे भगवान पहाड़ों पे ही क्यों बसे, why not beaches? बताओ guys, क्यों? बताओ। मतलब इसका जवाब चाहिए। आप लोग के पास है इस चीज का जवाब? मेरे पास जवाब है। सारे भगवान पहाड़ों पे ही क्यों बसे? आप श्रद्धा से ऊपर चढ़ो, आपको मन से एडवेंचर करो। ये हो गए बुड्ढो वाले जवाब। एडवेंचर का मौका मिलेगा आपको ऊपर जाने के लिए। भगवान का स्थान बहुत ऊंचा है इसलिए। सही बात है, ये ठीक है, ये थोड़ा सेंसिबल, ये थोड़ा सेंसिबल। भगवान का ऊंचा स्थान है इसलिए वो ऊंचा स्थान पर है। वो ऊपर से, देखो ऐसा है, वो ऊपर से सबके ऊपर अच्छे से नजर रखते हैं। ये दो सेंसिबल जो भगवान ऊपर स्लाइटली एक थोड़ी सी असुविधा हो गई है, बिकॉज यहाँ पे एक अपने को वो चाहिए होता है, लाइक कहते हैं पास चाहिए होता है, देन वो अभी अनफॉर्चुनेटली कुछ अरेंज नहीं हो पा रहा है, या सर्वर कनेक्ट नहीं हो रहा, वो ऑनलाइन मिल नहीं रहा एंड फिजिकली स्लिप हमको अरेंज नहीं हो पा रही है, तो ना उसके कारण थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, काफ़ी देर से यहीं फंसे हुए हैं। अब देखते हैं क्लियर करते हैं, देन कुछ कर तो रहे हैं पापा लाइक रिटर्न में फिजिकल स्लिप लेने की, बट ऑनलाइन इनका ही सर्वर नहीं चल रहा तो लाइक ऐसा रोकना नहीं चाहिए इनको, लाइक थोड़ा सा ऑफ सी चीज़ है ये तो। बस मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ बट उनका सर्वर ही नहीं चल रहा। मोमेंट्स लेटर भाई ऋषिकेश की तरफ आ रहे हैं ना डीजल के लिए, आप दूसरी गाड़ी कहाँ भेज रहे हो मुझे बताओ। कहाँ पे आ रही, कौन आ रहा है मुझे वो बताओ। तो गाइस थोड़े से पंगे हो गए थे, लाइक ट्रैवलर में डीजल काफ़ी कम था एंड बहुत टाइम से मैं देख भी रहा था कि डीजल कम है, सबने टोक भी दिया था, बट देन ही वाज लाइक कि आगे कोई डीजल में डल, मतलब कोई पंप में डल जाएगा, बट देन अनफॉर्चुनेटली वो आखिरी निकला और वहाँ पे डीजल था नहीं, तो देन कहानी काफ़ी ज़्यादा अटकी है। प्लस सुबह से थोड़ा इधर उधर चल ही रहा था नेचर में, तो देन काफ़ी माहौल गर्म सा हो गया था, तो देन अभी पापा और मामा गए हुए हैं उसके साथ आखिर, मतलब 11 किलोमीटर पीछे आए हम वहाँ से, तो वहाँ पे डीजल डलवा रहे हैं इसमें और हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं, मतलब नाश्ता कर रहे हैं। सुबह से नाश्ता नहीं करा था, टाइम आई डोंट नो कितना हो रहा है, तो मेरी घड़ी बंद है, इसको चार्ज भी कर लिया, तो देखते हैं। सिचुएशन थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल है, बट देन ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं है बट लाइक हाथ से निकल गई थी, तो कोई नहीं, अभी सब बैठे हैं नाश्ता वाश्ता करते हैं एंड देन फिर पापा भी आ जाएंगे। अब जो हुआ से हुआ, देखते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं जैसा भी होगा। ऐसे एक बहुत ही सही चीज़ मिली है, लाइक आप बोर्ड पर पढ़ो क्या लिखा है, थैंक विजिट फॉर यू, तो लाइक ओके भाई ओके डन। एक्चुअली आगे नीर फॉल्स करके है, हम लोग वहाँ नीचे गए थे, तो भाई मेरे को बहुत मन कर रहा था तो मैं तो अकेला उठ के आ गया था, बट वो बट हो गया बिकॉज वहाँ पे टिकट लगती है, मैं पैसे लेके गया नहीं था अपने साथ, बट देन काफ़ी सही है, इनको बोलता हूँ भाई चल दो वहाँ पे, सब लोग बोले यार बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है, बट इतनी भी गर्मी नहीं है यार, बहुत सजाएंगे मनाता हूँ, पैसे होते तो मैं तो अकेले ही चला जाता। गाइस वो डीजल के चक्कर में हम 3 घंटे से एक ही जगह पर हैं, पर कोई भी अपडेट नहीं मिल रहा था, तो हम अब तलाश में हम खुद ही निकल गए, और मुझे मेरी इज्जत दिख गई है गाड़ी, अगर वो हुई तो नहीं है, वो भी नहीं है, तो हमको इंटेल मिली थी कि वो 3 किलोमीटर दूर है, बट अब हमें श्योर नहीं है, हम तो बोले भाई 3 किलोमीटर तो चल ही लेंगे, ऑलमोस्ट एक तो आ ही गए हैं, अब अगर ये लोग रेंग नहीं पाए तो भाई पता नहीं कहाँ चले गए हैं, अब
लेट्स सी भाई क्या होता है। ट्रैवलर तो दिख रही है बट हमारी वाली नहीं दिख रही हमको। ट्रैवलर मिले ना मिले, व्यू बढ़िया मिल गया। यहाँ तो लंबे लंबे आसार नहीं दिख रहे बट ये बहुत सही है। इस फिलहाल का सीन को जैसा है कि शाम के बज रहे हैं 4:49 एंड देव प्रयाग क्रॉस कर चुके हैं हम लोग। अभी के लिए शॉर्ट ब्रेक लिया है चाय का, तो भाई रुकते हैं चाय पीते हैं। एंड यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे कुछ अलग ही सुविधा बना रखी है। सही है भाई, ये भी सही है। मैं वही सोचा हाँ पीछे से हमें पानी आ रहा है तो उसको शायद ट्रीट वीट करके यहाँ पे बढ़िया दे रहे हैं। तो सो फार सो गुड भाई, सीनरीज काफ़ी बढ़िया आ रही हैं तो भाई मज़ा भी उतना ही आ रहा है। एंड मेरे को तो चाहिए थी भाई ये ट्रिप, बहुत ज़्यादा ज़ोर से चाहिए थी ये ट्रिप। तो भाई काफ़ी मज़े आ रहे हैं। एंड देन अब बस ब्रेक लिया है, अब मेन लोकेशन है हमारे गुप्त काशी, देखते हो कब तक पहुँचते हैं। फिलहाल क्योंकि दोपहर में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे तो देन नो आइडिया कब तक क्या होगा, बट देन सही चल रहे हैं अभी तक तो। लेट्स सी का ऋषिकेश वहाँ के पचमढ़ी लाइट चल रहा है, ये इनका बी हॉल और ये वो लोग। गाइस ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हो गए हैं, लाइक बस रिजॉर्ट के रास्ते ही चल रहे हैं। यहाँ से अराउंड 9 किलोमीटर्स बचा है एंड भाई काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है अभी भी, तो भाई धीरे धीरे चल रहे हैं। अराउंड 40 मिनट्स का रास्ता और बचा है और बस चलते हैं पहुँचते हैं। सो गाइस फाइनली एट द एंड फाइनली पहुँच ही गए हैं, जैसे तैसे भाई मरते मुराते उठाते पहुँच गए। दो एंड मोमेंट में फिर से पोपट हो जाता है, हम अपना रिजॉर्ट का कट फिर से भूल गए थे, बट देन भूल नहीं गए थे, मिस हो गया था, बट देन सही टाइम पे सवन में आ गया, देन आ गए फाइनली। एंड ऐसा कुछ हमारे रूम्स हैं, अभी लाइट गई हुई है दो एंड भाई, लेकिन सामने का व्यू यार मतलब इस अभी तो आपको दिख नहीं रहा इसमें, तो दिन काफ़ी सही है, ऊपर स्टार्स वगैरह भी दिख रहे हैं। सर करते हैं इस ब्लॉग को एंड भाई, कल सुबह से मेन चीज़ शुरू होगी तो उसमें जाएंगे। बाय, गुड नाइट, सॉरी फॉर बम्पिंग। तो अब मिलेंगे कल सुबह, सीधा करते हैं इस ब्लॉग को एंड भाई कल सुबह मेन चीज़ शुरू, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। बाय।